यूपी इलेक्शन में कुछ ही महीने बचे हैं और बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के कथित फर्जी डिग्री मामले में बुधवार 11 जुलाई को प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने जांच के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने प्रयागराज की कैंट थाना पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो केशव मौर्य के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट पर 25 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में गौर करने की बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये कार्रवाई बीजेपी के ही सीनियर नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पहल पर हुई है। दिवाकर ने एफआईआर का आदेश देने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में अर्जी दी थी। अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 156 उपधारा 3 के अंतर्गत दायर की गई। कोर्ट ने दिवाकर के वकील उमाशंकर चतुर्वेदी की दलीलों को सुनकर पुलिस को जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2007 में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा भी उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। इन चुनावों में शैक्षिक प्रमाण पत्रों के तौर पर उन्होंने हिंदू साहित्य सम्मेलन की ओर से जारी प्रथमा द्वितीय आदि की डिग्री लगाई है। दिवाकर का दावा है ये डिग्री मान्य नहीं है और पूरी तरह से फर्जी है। केशव मौर्य पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने फर्जी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी अलॉट कराया है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। वे 2012 में सिराथू सीट से विधायक चुने गए। 2014 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव प्रयागराज की फूलपुर सीट से लड़ा और 3 लाख वोटों से जीत कर संसद पहुंचे। लेकिन 2017 में उन्हें यूपी के विधान परिषद में मनोनीत करके डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्ते शुरुआत से ही काफी असहज बताए जाते रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व इसे मीडिया जनित भ्रम बताता रहा है, लेकिन दोनों के बीच की तलखी वक्त वक्त पर दिखती रहती है। केशव मौर्य 2017 में सीएम पद की रेस में सबसे आगे बताए गए थे। आगामी विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का चेहरा बनाए जाने को लेकर जब अटकलें चल रही थी, उसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अलग बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मसला दिल्ली हाईकमान और विधायक दल को तय करना है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।